मैं मनोरीन और वेलकम करती हूँ आपको अपने रिवायती किचन में। पाकिस्तान में जो है वो सर्दियां जारी हैं और ऑस्ट्रेलिया में सर्दियां आ रही हैं। यहाँ पर यकीन माने आजकल बहुत ही खूबसूरत मौसम हुआ हुआ है, खूब बारिशें हो रही हैं। तो मैंने सोचा कि आज मौसम के हिसाब से कोई बहुत ही मजेदार और यमी सी डिश बनाई जाए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ अपनी एक बहुत ही फेवरेट और मेरे घर में सबको पसंद आने वाली रेसिपी शेयर करूं। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं चॉप सोए, चिकन चॉप सोए आज हम लोग बना रहे हैं। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी, तो चॉप सोए बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है पहले आप लोग वो नोट करें। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें नजर आ रही होंगी। ऑफकोर्स हम लोग चाइनीज बना रहे हैं, तो चाइनीज का जो बेस है आपको पता है कि वेजिटेबल्स होती हैं, उसकी कटिंग होती है और जो है उसकी सीजनिंग होती है। तो लेकिन यह है कि एंड रिजल्ट बहुत ही मजे का होता है, तो यकीन माने कि आप लोग भी जब इसे बनाएंगे तो बहुत इंजॉय करेंगे। अच्छा, चिकन चॉप सोए बनाने के लिए हमें चाहिए चिकन। मैंने जूलियन कट लिया है। यहाँ पर मेरे पास फ्रेश मशरूम है, इसको भी मैंने स्लाइस कर लिया है। ये मेरे पास है स्नो पीज, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं चाइनीज में तो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। वेजिटेबल का ये है कि जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो इस्तेमाल कर लीजिए। इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास कैप्सिकम है, रेड एंड ग्रीन दोनों कलर मेरे पास मौजूद थे। ये मेरे पास है गोभी कैबेज, ये है मेरे पास ब्रोकली। ब्रोकली अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग इसमें यकीन माने जो फूल गोभी होती है वो भी डालें, बहुत मजे की लगती है। यहाँ पे मेरे पास है स्प्रिंग अनियन, ये है मेरे पास ना बड़ी वाली जो हेलपिनोज होती हैं वो घर में मौजूद थी, तो वो मैं इसके अंदर एक शामिल कर रही हूँ। अगर आप लोग इसको स्किप करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है गाजर, गाजर को भी मैंने जो है वो लंबाई में जूलियन में काट लिया है, लेकिन लॉन्ग वाली है, बिल्कुल छोटी छोटी वाली मैंने नहीं काटी है। ठीक है, ये तो हमारी होगी वेजिटेबल। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं अपनी सीजनिंग के ऊपर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम अपनी चिकन को करेंगे मैरिनेट, और चिकन मैरिनेट करने के लिए मैं डालूंगी फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेसमी ऑयल। इसके अलावा मेरे पास है काली मिर्च, यहाँ पे मेरे पास है सफेद मिर्च, और इन दो चीजों से हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। अच्छा, नमक का इस्तेमाल मैं इस रेसिपी में नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग जो इसकी सॉस बनाएंगे वो सॉल्टी ऑटोमेटिकली हो जाएगी। अगर आप लोगों को लगे कि सॉल्ट की जरूरत है तो आप लोग इसमें सॉल्ट डालिएगा। फिर चिकन को मैरिनेट करने के बाद हम लोग आ जाएंगे इसकी सॉस बनाने की तरफ, और सॉस बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास है लहसुन, जो है ये लहसुन का पेस्ट है, आप फ्रेश भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इसके अंदर डालेंगे चिली गार्लिक सॉस, यहाँ पे मेरे पास है हॉट सॉस, सिराचा भी कहते हैं इसको। यहाँ पे मेरे पास है सोया सॉस, ये है मेरे पास ऑयस्टर सॉस, उसी के साथ यहाँ पर मेरे पास है अजीनोमोटो। अगर आप लोग चाइनीज सॉल्ट इस्तेमाल करना चाहें तो करें, वरना आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास है यखनी, ये स्टॉक है मेरे पास, आप लोग जो है वो चिकन क्यूब्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे पास है कॉर्नफ्लावर, इसको मैंने ऑलरेडी पानी में सोक करके रख दिया था। फिर हम लोग आ जाते हैं नूडल्स के ऊपर। चॉप सोए के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है क्रंची नूडल, उसकी बेस होती है। तो जाहिर है टाइम की वजह से मैंने थोड़ा सा होमवर्क यूज कर लिया था, ये मैं आपको नूडल दिखाना चाह रही थी। चॉप सोए के अंदर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ एग नूडल्स इस्तेमाल होते हैं। ये वाले जो एग नूडल हैं मैंने इस्तेमाल किए हैं, ये रॉ हैं। इनको आप मैंने क्या किया था कि पहले उबाल लिया था। जब आप चॉप सोई के लिए नूडल्स इस्तेमाल करें तो सिर्फ और सिर्फ एग नूडल्स हम लोगों ने इस्तेमाल करने हैं, और जब हम इसे उबालेंगे तो हमने इसको बहुत ज्यादा नहीं उबालना, इसको जैसे कहते हैं ना खड़ा खड़ा सा इसको उबालना है। हमने इसको बॉईल कर लिया, बॉईल करके हम इसे ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके इसका जो पानी है वो जब ड्रेन हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि कढ़ाई में हम लोग ऑयल गर्म करेंगे। ऑयल गर्म करने के बाद हम लोग नूडल्स को, उबले हुए नूडल्स को कढ़ाई में डाल के फ्राई कर लेंगे। बहुत ज्यादा हल्की आंच पे फ्राई नहीं करना, मीडियम टू हाई आंच पे हम लोग नूडल्स को फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के बाद जो है कुछ इस तरह से इनकी शक्ल हो जाती है। ये देखें, जैसे ही आपको लगे कि ये क्रंची हो गए हैं तो उसी वक्त जो है आप लोग इसको बाहर निकाल के और किसी भी स्ट्रेनर में रख दीजिएगा ताकि एक्सेस ऑयल खत्म हो जाए। मैंने जो है ये काम पहले से करके रख लिया था, लेकिन आपको समझा दिया है।
आप लोगों ने चॉप सुई के लिए सिर्फ और सिर्फ एग नूडल्स का इस्तेमाल करना है, राइट? आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अच्छा, कुछ जगहों पे ये जो है रेडीमेड रेडी टू ईट फ्राइड भी मिलते हैं। अगर आप लोग चाइनीज शॉप में चेक करें तो आपको मिल जाएंगे, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम लोग चलते हैं अपने फर्स्ट स्टेप की तरफ। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि चिकन को कर लेंगे मैरिनेट। यहाँ पे चिकन के अंदर मैं डालने जा रही हूँ काली मिर्चें कुटी हुई है मेरे पास, ये है मेरे पास व्हाइट पेपर, और बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेसमी ऑयल। सेसमी ऑयल बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है तो बहुत ज्यादा हम इसका इस्तेमाल नहीं करते, बस फ्यू ड्रॉप्स का ही इस्तेमाल हम करते हैं। चिकन को मैरिनेट करके मैं 15-20 मिनट के लिए रख दूंगी। चिकन हमारी मैरिनेट हो चुकी है, अब इसको हम 10-15 मिनट के लिए रखेंगे और आ जाएंगे अपनी कुकिंग की तरफ। जी, तो आ जाते हैं हम लोग अपनी कुकिंग की तरफ। यहाँ पर मैंने क्या किया था कि पैन को रख दिया है चूल्हे के ऊपर। आपको पता है कि जब भी हम लोग चाइनीज बनाते हैं, हमारा जो वॉक है, कढ़ाई है, या जिस भी बर्तन में आप बना रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे से गर्म होना चाहिए, पाइपिंग हॉट होना चाहिए। चाइनीज बनाने के कुछ उसूल होते हैं जो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि शामिल करेंगे थोड़ा सा ऑयल, साथ ही मैं इसके अंदर शामिल कर दूंगी लहसुन का जो मेरे पास पेस्ट था। हमने बहुत ज्यादा इसको नहीं पकाना, ऑयल गर्म है, हल्का सा ये होगा। तो साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। जैसे ही आपको लगे कि चिकन का जो कलर है वो चेंज होने लगा है, तो साथ ही अब हम इसके अंदर डाल देंगे अपने बाकी के मसाले। यहाँ पे मेरे पास है चाइनीज सॉल्ट, ये है मेरे पास हॉइजन सॉस, सोया सॉस, हॉट सॉस, टोमेटो केचप और चिली गार्लिक सॉस, जो भी आप पसंद करें। अगर आप लोगों को ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो बिल्कुल आप लोग वो भी डाल सकते हैं। हमने जितने के जितने सॉसेस डाले थे वो बहुत अच्छे से पकना शुरू हो गए हैं। आपने देखा होगा मैंने सॉल्ट नहीं डाला, मैं एंड में चेक करूंगी, अगर सॉल्ट की जरूरत हुई तो हम डालेंगे। जो हॉइजन सॉस है और जो सोया सॉस है, उस दोनों के अंदर जो है वो सॉल्ट होता है, तो इतना ज्यादा हमें नमक इसके अंदर नहीं डालना, ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं ऐड करने जा रही हूँ इसके अंदर वेजिटेबल्स। वेजिटेबल्स में मेरे पास है मशरूम। मुझे जो है ना इसके अंदर बहुत सारी वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं, तो अगर आप लोग चाहें तो बिल्कुल इसमें से कुछ वेजिटेबल्स को कम भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ इसके अंदर ब्रोकली, साथ ही इसके अंदर जाएगी गाजर, स्नो पीस। यकीन माने इतनी कलरफुल ये डिश तैयार होती है। उसी के साथ यहाँ पे मेरे पास कैप्सिकम है रेड एंड ग्रीन कलर की, और ये है मेरे पास हैलोपिनोज। मैं डाल रही हूँ आज इसके अंदर, मेरा दिल चाह रहा था कि थोड़ा सा स्पाइसी मैं इसको तैयार करूँ। अगर आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अच्छा, स्प्रिंग अनियन और कैबेज मैंने अभी रोकी है। ये वाली वेजिटेबल्स को थोड़ा सा जो है 1-2 मिनट हम लोग इसके साथ स्टर फ्राई करेंगे, और फिर उसके बाद जो है वो वाली वेजिटेबल्स जो है वो मैं बिल्कुल एंड में डालूंगी, क्योंकि आपको पता है कि वो एकदम से सॉफ्ट हो जाती हैं और वो अपना कलर भी खो देती हैं, और चाइनीज के अंदर क्या होता है कि आपको क्रंची जो है ना वो वेजिटेबल्स अच्छी लगती हैं। देखा आपने किस कदर खूबसूरत इसको कलर लग रहा है, बिल्कुल ही मल्टी कलर्स और कलरफुल, माशाल्लाह। देखिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की क्या कुदरत है, किस कदर खूबसूरत उसका निज़ाम है, कितनी कलरफुल उसने दुनिया बनाई है, ठीक है। यहाँ पे बस 1-2 मिनट हमने इसको स्टर फ्राई करना है। तो साथ ही मैं क्या करने जा रही हूँ कि मैं इसके अंदर शामिल करने जा रही हूँ ये जो हमारा चिकन का स्टॉक है वो, ताकि चिकन स्टॉक के साथ साथ जैसे इसको बॉयल आए और जो हमारी वेजिटेबल्स हैं वो भी उसके साथ थोड़ी सी और सॉफ्ट हो जाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज़्यादा हमने अपनी वेजिटेबल्स को गलाना नहीं है, मैशी नहीं करना, तो पानी उबाल आते के साथ साथ वेजिटेबल्स भी हमारी बिल्कुल सेट हो जाएंगी। यहाँ पर अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर बंद गोभी, और साथ ही यहाँ पर मेरे पास है स्प्रिंग अनियंस, वो ऐड करेंगे इसके अंदर। यहाँ पर मैंने जो है
क्या किया था कि कॉर्नफ्लावर आपको पहले बताया था कि पानी में मिक्स करके रख लिया था ताकि जो है हम इसको इसके अंदर डालें, कॉर्नफ्लावर जो है वो ऐड करना है। क्योंकि ये क्रंची नूडल्स के ऊपर सर्व होता है तो हमने बहुत ज़्यादा जो है अपनी जो सॉस है उसको रनी नहीं रखना, और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा थिक भी नहीं होनी चाहिए, मीडियम थिकनेस आपने इसकी रखनी है। आप देखें कि माशाल्लाह से ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। यहाँ पे अब मैंने क्या करना है कि इसको जस्ट सिंपल एक मिनट पकाने के बाद अब मैं करने लगी हूँ अपने फ्लेम को ऑफ। और यहाँ पर मेरे पास है ये नूडल्स, हम डालते हैं नूडल्स के ऊपर अपने सॉस को और मिलते हैं इसकी फाइनल लुक के साथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की चॉप सोई की ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी, बहुत जल्द ट्राई करेंगे और मुझे इसका फीडबैक देंगे। यहाँ पे टाइम हो चुका है इसको खाने का और मेरे जाने का, लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द फिर मुलाकात होती है जबरदस्त रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।